हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। मैं लोग स्वागत करता हूं आप चैनल आदा का टेक में। गाइस, मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं कि IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। जी हां गाइस, मैं आप लोग को आज लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। अपना अकाउंट, खुद का अकाउंट ओपन करने वाला हूं लाइव, ठीक है, और आपको भी सिखाने वाला हूं कि कैसे किया जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना सीख जाएं IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना सीख जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा। एंड गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर वीडियो। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। एंड गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने IPPB जो आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप है आपको इस पे चले जाना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। IPPB का फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको इस पे चले जाना है। एंड अगर आप इस पे नए पंजीकृता हैं तो फिर आपको क्या करना है, ओपन योर अकाउंट, ठीक है, नाउ इस पे आपको क्लिक करना है। ओपन योर अकाउंट नाउ, आप देख सकते हैं नीचे आपको लिखा गया है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको भरने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे सेकंड में यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आपका जो यहाँ पे अकाउंट है, आपका किस अकाउंट है, यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट में यहाँ पे आपका भरना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको नीचे फिर एक पैन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल देना है। ऊपर मोबाइल नंबर है, नीचे आपका पैन नंबर डाल देना है। एंड फिर आपको कंटिन्यू वाले नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू का, आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे पैन के जाकर यहाँ पे पैन कार्ड का आपका नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है आपके, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आपको भी गाइस यहाँ पे अपना OTP फिल कर देना होगा, ठीक है, यहाँ पे OTP डाल दे रहा हूँ। एंड फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका जो यहाँ रेड से लिखा है ना सबमिट, आपको इस पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगा गया है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो कि आपका आधार कार्ड में नंबर होता है ना गाइस, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि 4-4 डिजिट के होते हैं, आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पे अपना वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं आधार का, पर अगर आपका आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल दीजिए। एंड यहाँ पे आपको दोनों पे क्लिक कर देना है, ठीक है, आई डोंट नॉट हैव जो भी आपके यहाँ पे लिखा है ये गाइस, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि मतलब आपके यहाँ पे जो भी आप भर रहे हैं आपका आप ही है ना, ठीक है, इस बारे में आप जानकारी है। आपको दोनों पे टिक कर देना है। एंड दोनों पे टिक करने के बाद आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे फेल दिखा दिया गया, हम दोबारा एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पे हमारा फिर से आपके जो मोबाइल नंबर, आपका जो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर पर लिंक है आपका, वो आधार कार्ड पर वो आधार कार्ड वाले नंबर पर OTP आएगा, ठीक है गाइस, तो आपको OTP भी फिल कर देना है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने OTP अपना डाल दिया है, आपको भी आपके मोबाइल में OTP आएगा, वो भी आपको डाल देना है। एंड गाइस, अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे 5 तरह के यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ये सारा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड एंड पेंड एंड आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंड नॉमिनी डिटेल एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको इस तरह के यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है, आपको सबको फिल करना ज़रूरी है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे आ गया है मदर एंड मदर नेम। सबसे पहले तो गाइस, आपका आधार कार्ड में जो फोटो होगा आपको यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, एंड आपका आधार नंबर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा आधार कार्ड द्वारा जो उसमें रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मदर नेम भर देना है, ठीक है, मदर्स नेम, याद है कि आपका जो पहले बचपन का जो भी नाम था। एंड हस्बैंड, अगर आप मतलब हस्बैंड वाइफ का नाम भर देना, फिर आपको मदर नेम भर देना है, फादर नेम भर देना है, एंड ईमेल आईडी भर देना है। तो हम गाइस स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। आपको भी जो जो यहाँ पे नाम हो आपको फिल कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। एंड फिर आपको सेकंड आ जाएगा पैन का जो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, आपको सेकंड ऑप्शन जो है आपको सेकंड ऑप्शन पे फिर आ जाना है।
आपको गाइस इस पे कुछ नहीं करना, आपको जैसा है ये बिल्कुल आपको ऐसे ही रहने देना है, आपको सेव पे डायरेक्टली सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आपको एक ही पे क्लिक रहेगा आपका, सेकंड वाले ऑप्शन पे मतलब सेकंड पे क्लिक रहेगा, आपको सेकंड पे क्लिक रहने देना है, फिर आपको सेव पे कर देना है। आप गाइस यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दो पे जो हैं ग्रीन ग्रीन टिक लग चुके हैं, एंड हमारी बारी आ जाती है अब थर्ड की, ठीक है। नॉमिनी डिटेल, आपको आप अपने घर में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो आप उसको नॉमिनी बना सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको नॉमिनी भी भर देना है। नॉमिनी में आपको कुछ कुछ नहीं गाइस, बस आपको जो भी नाम वाम है, ठीक है, जिसका भी नाम भरना है आपको यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा प्राइवेट है इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया नहीं। एंड फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चले जाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देखें नेशनलिटी, आप ये मतलब कि आप कहाँ के निवासी हैं, हम इंडिया के निवासी हैं, आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। एंड फिर आपको नीचे यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे क्लिक कर देना है इस पर। तो चलिए गाइस सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे सब के बारे में बता दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपको मटेरियल स्टेटस, ठीक है, यानी कि आप मतलब अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आपको जो भी यहाँ पे आया है आपको फिल कर देना है इस बारे में। एंड गाइस आप यहाँ पे फिर यहाँ पे आप क्या वर्क करते हैं, ठीक है, आप अगर जो भी आप वर्क करते हैं यहाँ पे अगर नहीं है तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपकी पर ईयर की इनकम कितनी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपको जो भी पढ़ी लिखाई है आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। गाइस आप देखेंगे कि हमारा जो चार थे चार फॉर्म यहाँ पे हमारे फिल हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पे हमारे ग्रीन टिक लग चुके हैं बिल्कुल। एंड पांचवा फॉर्म है हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्टली ओनली सेव पे क्लिक कर देना है। एंड सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे गाइस, आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मोड आप ऑनलाइन मोड या फिर पोस्टल, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस से अपना खाता चलाना चाहते हैं तो गाइस हम ऑनलाइन कर लेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन ही इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। चलिए ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जैसे कि किसी भी मतलब गैस का सब्सिडी आता है, तो गाइस अगर आपका सब्सिडी आता है किसी पे तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए इस पे। अगर आपको पुराने पे अगर आप चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पाँचों के पाँचों यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुके हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो पाँचों के पाँचों इन्फॉर्मेशन थे अकाउंट के यहाँ पे हमारे पाँचों के पाँचों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड गाइस फिर आपको एक बार चेकिंग करने का आ जाएगा, ठीक है, आपको कन्फर्म का एक बार चेकिंग का आ जाएगा, आपको अपना चेकिंग कर लेना है अकाउंट कि हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं, आपको नाम वाम जो भी है यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे डिटेल भर के आ जाएगा, आपने जो भी फिल किया था आपके सारे डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे, आपको एड्रेस आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, आपको कंप्लीट अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अगर गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे अभी सुधार कर सकते हैं, वरना फिर आपका परमानेंट के लिए हो जाएगा, फिर आपको बाद में फिर प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, वरना मतलब हो तो जाता है पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम फिर बाद में फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म वाले एक ऑप्शन है नीचे आप देखेंगे रेड कलर वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है अगर आपका सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ चेक कर लिया है मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, अब नीचे देखेंगे कॉम कंफर्म वाला ऑप्शन है, आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली। एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ ओटीपी आ चुका है। एंड ये ओटीपी आपके आधार नंबर पे जाएगा, जो आपका आधार नंबर रहेगा लिंक उस पे जाएगा, ठीक है गाइस। एंड आपको ओटीपी डाल देना है, एंड आप देखेंगे गाइस कि हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल बन के आ चुका है, यहाँ पे आपको आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा, एंड आपको फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे अकाउंट नंबर है नीचे, एंड यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको दे दिया गया है। एंड गाइस यहाँ से आप फिर डायरेक्ट यहाँ से आप गो टू होम पे क्लिक कर सकते हैं, गो टू होम पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल ही क्रिएट होके हो चुका है। गाइस अगर आपने अभी हमारे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एंड गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा क्योंकि आपको जो उसमें आज आपका अकाउंट खुला है उसमें आपको कंप्लीट तरीके से आपका अकाउंट नंबर नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको गो टू होम पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर देना है, ठीक है। जो अभी आपका अकाउंट नंबर वहाँ पे दिखाया गया था आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ भर दी है, अपना कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे भर दिया है। आपको अब क्या करना है गाइस, आपको देख सकते हैं नीचे सेकंड में कस्टमर आईडी एंड थर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस फिर यहाँ पे आपको आपका जो आईपीपीवी जो बैंक अकाउंट का जो आपका ऐप है आपको उसके लिए यहाँ पे एक पिन बनाना होगा, तो मैंने यहाँ पे पिन भी क्रिएट कर लिया। एंड गाइस आपको यहाँ पे सेट एम पिन पे क्लिक कर देना है, एंड आपके मोबाइल पे फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी भी यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा, ठीक है।
एंड गाइस फिर इसके बाद आपका जो है कंप्लीट तरीके से आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा एंड आप फिर अपने अकाउंट को अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप ये भी चाहते हैं कि आप इसमें पैसे कैसे डाल सकते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक नया वीडियो बना के आपको डाल दूंगा गाइस, ठीक है। अगर तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है एंड आपको यहाँ पे अपना MNP जो पिन था यहाँ पे डाल देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं ऊपर हमारा नाम लिख के आ चुका है एंड यहाँ पे जो भी बैलेंस है क्योंकि अभी हमने नया अकाउंट क्रिएट किया तो हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपने IPP बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को